सब्सक्राइब करिए आपला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। किसी मायकालाल में हिम्मत नहीं कि वह झाड़ू की तीली तीली कर सके। अरविंद केजरीवाल ने साधा है पंजाब के बरनाला में जनता से संवाद। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के सभी ओहदेदार और पंजाब के कोने कोने से आए हुए आज सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, अभी भगवंत मान ने मेरा दिल जीत लिया। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भगवंत मान पंजाब का एक बहुत बड़ा कलाकार हुआ करता था। एक एक शो के हजारों हजारों रुपए लेता था। पड़ी थी राजनीति में आने की, वो राजनीतियों की सेवा करना चाहता था। उसे लगा कि जिस पंजाब के लोगों की वजह से आज वो इतना बड़ा अगर पंजाब के लोग इतने दुख में हैं, आज नशे की वजह से पंजाब डूब रहा है, तो उसकी आत्मा ने कहा कि उसका कलाकार बने रहना ठीक नहीं है। हजारों हजारों लाखों रुपए की आमदनी की करियर छोड़ के भगवंत मान राजनीति में आया। राजनीति में आने के बाद पिछले चुनाव में बैठ जाओ, पीछे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पीछे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बैठ जाओ। पिछले पंजाब के चुनाव में क्योंकि उनको लगा कि पंजाब का सबसे बड़ा दोषी है। आज पंजाब में जो नशा है, पंजाब की जो हालत है, उसके लिए सुखबीर सिंह बादल दोषी है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा नेता है। भगवंत मान कहता मेरे को इस सीट से टिकट दो, जिस सीट पे भगवंत मान हाथ रख देता वो उसको सीट मिलती। वो चाहता अपने लिए सेफ सीट ले सकता था, ऐसी सीट ले सकता था जहां से उसका जीतना पक्का हो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं सुखबीर सिंह बादल को हराऊंगा और पंजाब को सुखबीर सिंह बादल से मुक्त कराऊंगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ लड़े और अब सबको पता है, अभी एक वीडियो थोड़े दिन पहले आई थी जिसमें पता चला कि अकाली दल और कांग्रेसियों दोनों ने मिलकर भगवंत मान के खिलाफ षड्यंत्र रचा। दोनों पार्टियां हिल गई थी भगवंत मान से, दोनों पार्टियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और दोनों पार्टियों ने मिलकर भगवंत मान को हरा दिया। आज भगवंत मान ने जो ऐलान किया है दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने सारे हजारों हजारों लोग हैं, आज हम सब लोग अपनी मां की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे में से कितने लोग हैं जो अपनी मां के कहने से दारू छोड़ने के लिए तैयार है। हम सब लोग पंजाब की इज्जत करते हैं, हम सब लोग अपने देश की इज्जत करते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं
जो अपने पंजाब के खातिर, अपने देश की खातिर दारू छोड़ने के लिए तैयार है। भगवंत मान असली नेता है और आज मुझे कहते हुए बेहद गर्व है कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है। दोस्तों, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के भगवंत मान के इस संकल्प का आप समर्थन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए। हमारे विरोधियों ने कहना चालू किया झाड़ू तीली तीली हो गई, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है इस देश के अंदर जो झाड़ू को तीली तीली कर दे। इन्होंने कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने, अकाली दल वालों ने पिछले 5 साल में पूरी जान लगा ली झाड़ू को तीली तीली करने के लिए, जान लगा ली। पर ऊपर वाला हमारे साथ है, रब हमारे साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे को। मेरे ऊपर पिछले 2 साल में 4 बार हमले हुए हैं। कभी सुना था मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है? 4 बार मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ, इन्होंने मरवाने की कोशिश की। दिल्ली सरकार को चलाने में नरेंद्र मोदी जी ने एड़ी चोटी लगा दी कि दिल्ली सरकार को चलने नहीं देंगे। आप अखबार में पढ़ते होंगे, रोज अड़चन आते हैं। हम स्कूल बनवाना चाहते हैं, स्कूल नहीं बनाने देते। हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, अस्पताल नहीं बनाने देते। इन्होंने खूब अड़चन लड़ाई लेकिन झाड़ू तीली तीली नहीं हुई। हमने और दम लगा के काम किया और खूब काम करके दिखाया। डटे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं इन लोगों से लेकिन सारे एक साथ। तो जो लोग छोड़ के गए आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी में रहने लायक नहीं थे, वो स्वार्थी थे, वो टिकट के लालची थे, वो पद के लालची थे। उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो ऊपर वाले ने झाड़ू चला दी और सफाई कर दी, सारे गंदे आदमी बाहर और भगवंत मान जैसे अच्छे अच्छे आदमी अंदर। ऊपर वाला सफाई कर रहा है दोस्तों, भगवान सफाई कर रहा है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलाई है, झाड़ू तीली तीली नहीं हुई है, झाड़ू से सफाई हुई है आम आदमी पार्टी की। आज से 2 साल पहले आप लोगों ने कैप्टन साहब को भारी बहुमत देके जिताया था। कैप्टन साहब ने अपने लड़के भेजे थे घर घर में, मेरे को याद है। उनके लड़के आते थे कार्ड लेके, एक कार्ड भरते थे, बोले आपके घर में किसको नौकरी चाहिए, उसका नाम भरते थे, उसकी कॉलिंग कराते थे कि नहीं कराते थे। उन्होंने बोला मैं सारे बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कैप्टन साहब ने जिस जिस को नौकरी दी जरा हाथ खड़े करके बताओ, जिसको नौकरी दी? एक आदमी को नौकरी नहीं दी कैप्टन साहब ने। और जब उनके लड़के आते थे बोले 30 दिन में, कैप्टन साहब के 30 दिन में मुख्यमंत्री बनने के 30 दिन में नौकरी दे देंगे। आज 2 साल हो गए, धोखा दिया कैप्टन ने। कैप्टन साहब कहते थे मैं किसानों का लोन माफ करूंगा, कर्जा माफ करूंगा। आज 2 साल हो गए, कैप्टन ने किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कैप्टन साहब के लड़के घर घर जाते थे, कहते थे हम स्मार्टफोन देंगे, स्मार्टफोन। जिस जिस को स्मार्टफोन मिला हाथ खड़े करके बताओ, किस किस को स्मार्टफोन दिया कैप्टन साहब? किसी को स्मार्टफोन नहीं। कैप्टन साहब कहते थे मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, आज 2 साल हो गए उन्होंने पेंशन भी नहीं बढ़ाई। धोखा दिया कैप्टन साहब ने, धोखा देके कैप्टन साहब 2 साल पहले मुख्यमंत्री बन गए। आज पूरे पंजाब के युवा
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुखी हैं दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, एससी दुखी हैं, बीसी दुखी हैं, गरीब लोग हैं। गरीबों के बच्चों को ज्यादा नौकरी की जरूरत होती है। कैप्टन साहब ने सबसे बड़ा धोखा दिया दलितों को और पिछड़ों को। दोस्तों, अभी मैंने अखबार में पढ़ा, कैप्टन साहब सरकारी अस्पताल भी अब प्राइवेट पार्टियों को बेच रहे हैं। सारे सरकारी स्कूल, कैप्टन साहब ने योजना बना रखी है, सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट कंपनियों को, और अब सारे सरकारी अस्पताल प्राइवेट कंपनियों को। तो फिर कैप्टन किस बात के, मुख्यमंत्री किस बात के, जब सारी सरकार प्राइवेट कंपनियों को चली जाएगी तो फिर मुख्यमंत्री किस बात के हो। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में भी दलितों की बहुत बुरी हालत थी, एससी बीसी इन सब की बहुत बुरी हालत थी। दलित समाज के बच्चे, पिछड़े समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाया करते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, सरकारी स्कूल खंडर बने पड़े थे। और फिर हमारे इस मनीष सिसोदिया ने, मनीष जी जरा खड़े हो जाइए, ये हमारा पागल शिक्षा मंत्री है, हमारे मनीष सिसोदिया जी ने रात दिन मेहनत करके सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आप में से किस किस को पता है दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, जरा हाथ खड़े करके बताओ। सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आज दिल्ली में हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, एससी समाज के लोग, बीसी समाज के लोग, उनके बच्चे आज शानदार सरकारी स्कूलों में जाते हैं। ऐसे स्कूलों में जाते हैं जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर लिफ्टें लगी हुई हैं, जिनके अंदर जिम है, ऑडिटोरियम है, शानदार एयर कंडीशन है सरकारी स्कूलों के अंदर। ऐसे स्कूलों में हमारे गरीब एससी बीसी दलित और पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते। पहले सरकारी स्कूलों में हमारे गरीब समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के बच्चे फेल हुआ करते थे, 40% से भी कम नतीजे आया करते थे। इस मनीष सिसोदिया की मेहनत की वजह से पिछले साल हमारे दलित और पिछड़े समाज के बच्चों के 90% से ज्यादा नंबर आए, 90% से ज्यादा पास, 90% से ज्यादा बच्चे। दोस्तों, के पिछड़े समाज के जाता था वो सरकारी अस्पताल में लेके जाते थे, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई नहीं मिलती थी, कोई डॉक्टर नहीं आता था, कोई ऑपरेशन नहीं होता था। आज 4 साल के अंदर दिल्ली सरकार के सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन्ड कर दिए, सारे डॉक्टर टाइम पे आते हैं, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। भगवान न करे घर कोई बीमार, अगर हमारे दलित समाज के बच्चे, पिछड़े समाज, पैसा नहीं होता था, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते थे, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वो कंपटीशन के एग्जाम देते थे। इनके एग्जाम में आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग, इनके पास पैसा नहीं होता था। अब दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है, कोई भी दलित समाज का बच्चा अगर कोई कोचिंग लेना चाहेगा, चाहे प्राइवेट कोचिंग में लाखों रुपए का खर्चा हो, दिल्ली सरकार सारा पैसा मुफ्त देती है। दलित समाज के बच्चे बड़े होके इंजीनियर बनेंगे,
डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने माँ बाप को आगे बढ़ाएंगे। खुशी हमारे हरपाल चीमा जी एडवोकेट हैं, दलित समाज से आते हैं, आज हम लीडर ऑफ आया है प्रधान विपक्षी पार्टी और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वो बुधराम जी जो दलित समाज से आते हैं, आम आदमी पार्टी ने बुधराम जी को अपनी पंजाब की कोर कमिटी जो सबसे बड़ी कमिटी है हमारी, उसका प्रधान हमने बुधराम जी को बनाया है दोस्त। आज साधु सिंह जी जो दलित समाज से आते हैं, हमने अपने पूरे देश की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, सबसे आम आदमी पार्टी की टॉप की कमेटी है, उसके मेंबर साधु सिंह जी है। चीमा साहब एडवोकेट हैं, बाबा साहब अंबेडकर भी एडवोकेट थे। आज चीमा साहब बाबा साहब अंबेडकर के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर दलित समाज के, पिछड़े समाज के, गरीबों के सारे मुद्दे खूब डट के उठाते हैं और उनके मुद्दों के लिए लड़ते हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी लड़ती है। अभी 3 महीने के बाद चुनाव है और आप सब लोगों से मेरी अपील है, आपने अकाली दल भी देख लिया, आपने कांग्रेस भी देख ली, पिछली बार चूक हो गई थी। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं जी पता नहीं कैसे हो गया, आम आदमी पार्टी की तो 100 सीट आनी थी, लेकिन दोस्तों ये कांग्रेस और अकाली दल ने मिलके षड्यंत्र रचा था, इस बार गलती मत कर देना। सारे जने मिलके इस बार भगवंत मान के नेतृत्व के अंदर 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को आ जाएं। आप लोगों ने संसद में आज पंजाब के अंदर 4 MP आम आदमी पार्टी के हैं, 5 MP कांग्रेस के हैं, 3 MP अकाली दल के हैं और 1 MP बीजेपी का है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आपने संसद में भगवंत मान के अलावा किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी कांग्रेस वाले को बोलते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी अकाली दल वाले को बोलते हुए नहीं देखा होगा, कभी बीजेपी वाले को बोलते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों आपकी आवाज केवल और केवल आम आदमी पार्टी के सांसद उठाते हैं संसद के अंदर, पंजाब के लोगों की बात केवल आम आदमी पार्टी के लोग उठाते हैं। इस बार 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को देना, अगर जरूरत पड़ेगी पंजाब के मुद्दों के लिए जरूरत पड़ेगी संसद ठप कर देंगे, लेकिन आपके आपको न्याय दिला के रहेंगे दोस्तों। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब दे सारे वासियां दा, सारे वोटरां दा, जिन्हां ने बरनाले दी इस पवित्र धरती दे उत्ते आके अरविंद केजरीवाल।